फ्रेंड्स, माय नेम इज देवन त्रिपाठी, क्लास सेकेंडरी। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए या फिर सब्सक्राइब करिए। और आज का हमारे चैनल वीडियो का नाम है बच्चों के मन की बात। जैसे कि आप बहुत से चेहरे तो पहचान ही जाते होंगे, जैसे कि ये है मतलब कि वो कुछ सोच रहा है, और जैसे कि ये है मतलब कि वो खुश है, और अगर ये है मतलब कि वो दुखी है, उसे किसी ने डांटा है या फिर मारा है। और फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहूँगा, बच्चे ज़्यादातर कि अपने माता पिता को ज़्यादा बातें नहीं बताते हैं, वो अपने फ्रेंड ऐसे दोस्तों से बताते हैं जिससे जो कि उनसे और बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको नहीं बताते हैं। इसीलिए बच्चों के माता पिता बन के मत रहिएगा, बच्चों के माता पिता बन के ना रहा करें, बच्चों के फ्रेंड्स बन के रहा करें। अगर आप उनके दोस्त बन के रहेंगे तो वो जो बातें होंगी सीक्रेट वो आपसे शेयर करेगा। छोटी छोटी बातों में डांटा ना करिए। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, बच्चों के विकास के 7 स्टेप में ही बताया था कि छोटी छोटी बातों में ना डांटें। इससे जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, और अगर कॉन्फिडेंस लो होता है तो वो कोई भी बात आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर हमने आपसे कोई बात बताई तब फिर आप जरूर हमें मारेंगे। जैसे कि पेपर में कम मार्क्स आते हैं तब फिर आपको वो बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि हमारे, जैसे कि उसके आए हैं 40 का पेपर था, आए हैं 30, तो वो आपको बताएगा हमारे 35 मार्क्स आए हैं। तो बच्चों के माता पिता नहीं, बच्चों के दोस्त बन के रहा करिए, जिससे कि वो सही सही आपको बताए। और हाँ, बहुत बातें तो ऐसी होती हैं जो कि आपको बताता भी नहीं है वो। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज हम बताएंगे, बच्चों से फ्रेंडली बन के रहने में ज्यादा वो होगा। अगर फ्रेंड जैसे रहेंगे तो वो सारी चीजें आपको बताएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें डांटे ना, अगर थोड़ी बहुत डांटे पर ज्यादा ना डांटे। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, शेयर एंड केयर में बताया था हम लोगों ने, वो बच्चों को ज्यादा प्रेशर ना करें, ये सारी चीजें बताई थी। अगर और हाँ, उसको भी देख लीजिएगा। और एक और चीज कहना चाहेंगे हम, और हाँ फ्रेंड्स, जो बच्चे रहेंगे उनको खुश करने की आप बहुत वो कोशिश करिएगा, जिससे कि जब बच्चे खुश रहेंगे तो अपने जो हैबिट्स होंगी उनको भी वो ठीक से सुधारेंगे। जैसे कि वो बच्चा स्कूल है, स्कूल से बच्चा दौड़ते हुए आता है, अपने चप्पल कहीं और, पेंसिल कहीं और, बैग कहीं और, जूते कहीं और। और हाँ, अगर वो हेल्दी है रहेगा तब फिर वो सीधे आएगा, तो सब अपनी जगह में रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं, और हाँ अब हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक या फिर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, हमारे नेक्स्ट वीडियो आए तो आप बेल जरूर बजा दीजिएगा कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप ही के पास। जय हिंद।